Disclaimer, the video is only made for fun. तो मैं बने फरमा का अपनी बंडू के तवर अपनी अमारों में ही रखे, अगर अमारी में जगह नहीं है तो अपनी सलवार के अंदर रखे। मैं बहुत मासूम बच्चा हूँ, मेरी लड़ाई से बहुत फटती है, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, सो प्लीज कम एंड एंजॉय द वीडियो। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक। बैक टू ब्रांड वीडियो। आज मैं इस वीडियो में ऐसे दिन की बात करने वाला, जिस दिन को सुनते यह बच्चा नाचने लग जाए। सर कोई भी बच्चा हो, खुशी के मारे नाचते हो, जरूर ये बोलेगा। उस दिन का नाम है ईद का दिन। और जो ईद होती है ना भाई, वैसे बच्चों को होती है, हम बड़े ना नौका बन के रह जाते हैं। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि ईद के दिन करना क्या होता है, कि क्या होता है, क्या होता है, क्या चल रहा है जिंदगी में। खैर एक चीज पता होती है, वो है ईदी लेना, क्योंकि किसी की लेना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उनको, उन बच्चों को लगता है ना क्या होगा, किसी के घर जाएंगे, हार मिलाएंगे, दुआ सलाम और सीधा ईदी लेकर आ जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ईद के दिन भी उनको अजीब और गरीब लोग दिखेंगे। तो आज हम उसी अजीब और गरीब लोग की बात करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं हमारे प्यारे नंबर वन से, कंजूस लोग। ये लोग इतने कंजूस होते हैं कि जब भी से तुम ईद मांगो ना, तो तुम्हें कभी 5 रुपये का सिक्का, 10 का नोट कर देंगे, 20 का नोट अगर तुम्हें दे दिया तो समझो तुम्हारी लाइफ मक्खन चल रही है। बस यही ना, अगर तुम्हारे घर आ गए तो तुम्हारी लगा के जाएंगे। सबसे पहले आते के साथ ही सबसे पहले तुमसे फ्यूचर की बात सोचें कि आगे के क्या सोचे, आगे क्या करोगे, जॉब कौन सी लोगे, कौन सी कंपनी में लोगे। भाई तू जॉब नहीं, तू साइंस ले रहा, साइंस बड़ी अच्छी चीज़ है, फिर मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, तुझे क्या है, तू क्यों निकल रहा है, जाके बच्चे संभाल। खुद के बच्चे संभालते नहीं है, हमें लगाने आ जाते हैं भैंस की। नंबर टू, नेक लोग। ये लोग इन्हें नेक होते हैं ना कि जब भी तुमसे ईदी मांगो ना, तो तुम्हें 50 या 100 का नोट नहीं देंगे, बल्कि कभी 500 का नोट, 1000 का नोट, अगर उनकी जिनकी मक्खन चल रही होगी तो 2000 दे देते हैं। वो सिर्फ यही नहीं, जब भी तुम्हारे घर आएंगे तो काम की बात करेंगे, काम की बात खत्म, घर से बाहर कभी नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई आगे क्या सोचा है, आगे क्या बनोगे, आगे तू जॉब लेना, आगे तू ये लेना, आगे तू वो लेना। कसम से जब तुम्हें हाथ पे 1000 का नोट आता है, कती सुपरमैन वाली फीलिंग आती है। लेकिन तभी तुम लोग के कान में आवाज़ जाती है, वो आवाज़ जाती है तो कान के पत्ते फटने लगते हैं, कान से खून बहने लगता है। और वो आजे भाई, तो चाचू ने तुम्हें जो 1000 रुपये की ईदी दी है मुझे दे दो, मैं तुम्हें पार्ट में दे दूंगी। और तुम दे दो, क्योंकि अगर तुमने अम्मी को दी नहीं तो अब भी जाइए सीधा अबू के पास, और अबू लगाएगी तुम्हारी बात, तो तुम दे देते हो। लेकिन जब तुम अपनी अम्मी को बोलते हो ना कि अम्मी वो मैंने कल आपको ईदी दी था, 1000 वो जहाँ मुझे वापस मिल जाएंगी। असलों का दिखा दिए ना बेटा, जब तू छोटा होता था और इतनी पोटियां करता था, तेरी पोटियां साफ कर करके मेरे हाथों में जंग लग गया था, तब मैं आके कहती थी बेटा ये पोटी साफ करने के $5 लगेंगे, मैं तुझसे पैसे लेती थी, जिस तरह आज तू मुझसे पैसे मांगने आ गया। ये ले, यही है ना पैसे तेरे, यही है ना पैसे जिन पर मारा, रख ले और दूर चला जा मेरी शक्ल से, रख ले इन पैसों को। कोई बात नहीं अम्मी, आप पैसे रख ले, कोई बात नहीं, चला गया, चलो शुक्र पैसे। अब इससे पहले मुझे अपनी अम्मी के माता सीता पड़े, मैं आगे बताऊँ। नंबर 3, नींद का कीड़ा। अब मुझे नहीं पता ये नींद का कीड़ा हमारे अंदर कहाँ से आ जाता है। जैसे तुम ईद की नमाज पढ़ के आओगे ना, ईद के कपड़े पहनोगे, ये नींद का कीड़ा तुम्हारे अंदर जाग उठेगा और तुम्हें इतनी नींद दिलाएगा कि जितनी तुम्हें स्कूल में आए, ना तो तुम्हें छुट्टियों में आए, ना तो सर्दियों की छुट्टी में आए, ना रमजान में आए, इतनी नींद तुम्हें ईद के दिन आएगी। और तुम सो जाते हो, तुम बोलते हो कि यार मसला नहीं है, अभी 2 घंटे की नींद करूँगा, फिर उठ कर पाती साथी नहीं। जैसे तुम नींद करके उठते हो ना, तो रात के 9 बज चुके होते हैं, एक घड़ी में एक मारे मुँह में। नंबर 4, आंटी। और तुम्हें जैसे लगा ना कि तुम्हारे घर पे आंटी आने वाली ना, उस वक्त अपनी अम्मी अबू से ईदी लो, बस वहाँ पैक कर निकल लो, कि अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हारा सीन हो जाना है पूरा। तुझे चेक करेगी तुम्हें कि बाल कैसे बनाए हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, पटाएं तुझे बन के, चप्पल ऐसे अच्छे पहने हैं, बाल ढंग के बनाए, घवाड़ों की तरह बनाए, अच्छे लोगों की तरह बनाए, पूरा चेक करे। अगर बाल तुम्हें अच्छे लोगों की तरह नहीं बनाए ना, तो तुम्हें घर पूरे खानदान को बताएगी कि तो उस्मान के भाई इतने गंदे, इतने घवाड़ की तरह बनाते हैं ना, इतने घवाड़ तुम देखो, उसके बाद तुमको भी देख उल्टी आ जाए, इतने घवाड़ है वो। बगर सब यही नहीं, बल्कि तो पूरा घर चेक करेगी कहाँ सफाई है, कहाँ बर्तन अच्छे धोए हैं, कहाँ घर साफ है, ये चीज़ साफ है, जूते साफ है, सब खाना दिख रहा सब साफ है, लेकिन उनको एक भी जगह पे झाला दिख गया ना, तो पूरा खंडांग को बताएगी कि तुम्हें पता है उनके उस्मान का घर इतना गंदा है ना, इतना गंदा, मेरे घर में वहाँ पर सब घूम, तुम नहीं जान तुम्हें तो उल्टी आ जाएगी, वैसे तुम कमजोर हो। तो भाई मैं नहीं मानो, जैसे तुम्हारे घर पे आंटी आने वाली हो ना, तो उसे आप अमेबू से ईदी लो, समा पैक कर लो, निकल लो, नहीं तो तुम्हारा सीन हो जाना है। नंबर 5, शेयरिंग। अब ये टॉपिक ना मुझे सिर्फ तुम लोगों की वजह से बनाना पड़ा, क्योंकि
आजकल ना तुम लोग लड़की बन गए, जिस तरह लड़की को ये ना बोलता कि यार ये बहुत अच्छी वीडियो है, तुम मुझे शेयर करोगी? नहीं मुझे शर्म आ रही। वैसे भी तुम लोग का वही सीन है, जब भी तुम लोग को बोलूंगा शेयर दिस वीडियो, तुम लोग आगे से बोलोगे नहीं मुझे शर्म आ रही तुम लोग की बहन। भाई मत बनो मत, हाँ लड़किया लड़किया बने, प्यार से जाके लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर तुम मुझे ईदी देना चाहते हो तो जब भी तुम सब्सक्राइब करोगे ना, मैं बस घंटा है उसको दबा देना, मुझे मेरी ईदी मिल जाएगी। कर लो यार, वैसे भी 5 रुपए के सिक्के से काम चला रहा हूँ। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would... मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।